होशंगाबाद सामाजिक सरोकारों से जुड़े एवं प्रगतिशील मूल्यों के संवाहक संगठन स्वर्णकार युवा क्रांति मंच ने अपना तृतीय स्थापना दिवस भोपाल रोड स्थित वृद्धाश्रम में मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पंडित पीयूष शर्मा, सेवानिवृत्त वन अधिकारी आर सोनी, CMO नगरपालिका सुश्री माधुरी शर्मा, संपादक देवेंद्र सोनी, समाजसेवी नीरजा फौजदार आदि उपस्थित थे। वहीं मंचासीन अतिथियों के द्वारा समाजसेवी, पत्रकार, संगीतकार सहित अन्य लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मास्क वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और अतिथियों ने वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी सेवानंद सोनी ने किया। इस अवसर पर श्याम सुंदर सोनी, मोहनलाल सोनी, मनोज सोनी, अशोक सोनी, गणेश सोनी, निर्मला माथनकर, कल्पना सरकार सहित अन्य सामाजिक बंधु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वरिष्ठ समाज सेविका भाभी जी, सम्माननीय मीडिया फौजदार जी, हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, हम इसकी संचालिका माथनकर मैडम और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मेरे ख्याल में युवा क्रांतिकारी मंच के अध्यक्ष भी हैं शिवानंद भाई, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवानंद भाई, कल्पना सरकार, सोनी जी, ये मास्क में वादी की है, समझ में नहीं आती, मैं माफ चाहता हूँ सभी सम्मानित साथियों। आज कार्यक्रम बहुत सारे, एक्चुअली दिक्कत क्या हुई कि और व्यक्तिगत कार्यक्रम है, सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो अपन मना कर दो या नहीं जाओ, तो एक सगाई से ही मैं आ रहा हूँ, उसमें भी लेट हो गया और अभी तीन एक सगाई और जाना और उसका 3 बजे का टाइम थी कि मैंने ही कलेक्टर साहब से बात करके 3 बजे फिक्स किया था, तो वहाँ 3 बजे समय समझता हूँ अपन पूरे काम नहीं कर पाएंगे। अब तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनके अंदर से इच्छा होती है कि काम करना चाहिए, ठीक है, पर उसके बाद ही मोटिवेशन की उनको जरूरत होती है, तो कई बार बीच में लगता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, पर इस तरह के जब सम्मान कार्यक्रम होते हैं तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है और इसीलिए फिर वो और ताकत से काम कर रहे हैं। मैं माथनकर मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, वो तो निरंतर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बुजुर्गों को की सेवा। हम गौरव महसूस सम्मान करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये सहकार युवा क्रांति मंच और युवा लोग आ गए हैं, इससे अच्छी क्या बात है, हम लोग तो जब यहीं आने की तैयारी में बहुत मेहनत करते हर जगह। तो अभी ना